हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं नागराज और कांजा का दूसरा और अंतिम भाग। अगर जल्दी उस क्षेत्र को बंद ना किया गया तो मून ग्रह शमशान नजर आने लगेगा। आइए महामंत्री थेरेस, सेना कमांडर बकलर को हमारे उस स्थान तक पहुँचने की तैयारी का आदेश दीजिए। हम अभी पहुँचते हैं। उस क्षेत्र को फौरन ही बंद करवाना आवश्यक है, और उस विशेष कक्ष में पहुंचकर भौचक्की की होटी क्वीन सोंजा। दूसरा हीरक गायब है। हीरक की शक्ति से ही संभव था मून ग्रह को प्रदूषण से बचाने वाला रक्षा आवरण में छेद करना। मून ग्रह की वह जेल जिसमें आज तक केवल एक ही अपराधी रहा था, अब खाली था। कांजा कैसे फरार हो चुकी है। उफ, हीरक को भी वही ले गई है। क्वीन संजा के नेतृत्व में चल पड़ा वो दस्ता उस क्षेत्र को बंद करने के लिए। ग्रह के भारी आवरण में छिद्र होने के बाद जंगल में आग की तरह फैली थी। कांजा ने फरार होने के लिए ओजोन परत में छिद्र कर दिया है, और इस ग्रह के आसपास वातावरण इतना अधिक प्रदूषित हुए है कि प्रदूषण के हमारे वातावरण में प्रवेश के साथ ही हमारे जिस्म में फफोले पड़ने शुरू हो गए हैं। उधर नगर में प्रवेश कर चुके पांचों शैतानों की आंखों में उस वक्त शैतानियत नजर आने लगी जब उफ आह करोड़ों में होगी इनकी कीमत। कैसे बड़े बड़े चमकदार व आलीशान हीरों से लदी है यहाँ की स्त्रियां, अरबों भी हो सकती है। लेकिन ये हमें क्या हो रहा है, हमारे जिसमें जलन क्यों मच रही है। लोथार ठीक कहता है, गोली मारो तड़पने को और लूट लो जितने चाहे हीरे। लोथार ठीक कहता है, फफोलों का इलाज तो बाद में भी हो जाएगा। द्रुत वेग से आगे बड़ी स्ट्राइकर की अनोखी स्की बाइक जो कैसी भी जमीन पर फर्राटे के समान दौड़ सकती थी। लाखों डॉलर तो अब पता नहीं मिलेंगे या नहीं, पर यह करोड़ों का माल हाथ से नहीं जाने दूंगा मैं। इतना माल जिस मर लेके चलोगी तो किसी शरीफ आदमी का ईमान भी डोल उठेगा, और मैं तो स्ट्राइकर हूँ, जुर्म का तरिंदा। हिम्मत करके उठ बैठा वो नागरिक। कौन हो तुम इस ग्रह के नागरिक नहीं हो। तीव्र गति के साथ घूमा लोथार का वो डंडा, जिससे छूटी आग से चीख पड़ा मून ग्रह का वो नागरिक। मेरे काम में बाधा खड़ी करता है, जानता नहीं मैं पृथ्वी से आया हूं। आह, फेंसिंग पर झपट पड़ा था वो, किंतु फेंसिंग का मुकाबला क्या खाकर करता। दूर हट गंदे आदमी, अभी बहुत से हीरे इकट्ठे करने हैं मुझे। नहीं ओ नहीं, ओफ, नगर का सबसे अधिक प्रदूषित हो चुका हिस्सा था ये। हीरो की खान में आ पहुंचे हैं हम। लोथार, मुझसे इन बेचारों की तरफ देखी नहीं जा रही। इसकी बाइक से छूट पड़े मौत के शोले। बैंग बैंग बैंग, आ उफ ई, शैतानों, कोई संजा ग्रह के उस क्षेत्र को बंद करने जा रही हैं जिससे तुम भीतर प्रवेश तो कर आए हो, किंतु अब जीवित बाहर नहीं निकल पाओगे, क्योंकि उस क्षेत्र के बंद होते ही तुम हमेशा के लिए यहाँ कैद होकर रह जाओगे। आह, तीनों के जिस्म की रग रग से शैतानियत फूटने लगी। यह सुनकर वह छिद्र भरने से रोकना होगा कोई इनको सोंजा को, क्योंकि अगर वह छिद्र भर गया तो हम यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे, और इतनी विशाल दौलत हमारा कफन बन जाएगी। इधर जैसे तैसे आगे बढ़ रही थी क्वीन सोंजा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं प्रदूषण मापक यंत्र पर प्रदूषण की मात्रा बढ़ती जा रही है। नगर का दृश्य देखकर दहशत उभर आई क्वीन सोंजा की आंखों में। उफ, सेना कमांडर बकलर, अपने वाहन की गति बढ़ाओ, अगर इनमें से एक को भी कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। यह वाहन की अधिकतम गति है क्वीन सोंजा, किंतु तभी उन्हें रुक जाना पड़ा, क्योंकि सामने ही दीवार बनकर खड़े हुए तीनों शैतान। तो तुम हो क्वीन सोंजा, तुम्हें इसके सिर पर सूर्य के समान चमचमाता ताज और गले में वो खूबसूरत हीरो जड़ा जड़ाऊ हार दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है लोथार। तीनों की उस हरकत से क्रोध हो उठी क्वीन सोंजा। कौन हो तुम, धरती के शैतान। फेंसिंग की गन से छूटे शोलों ने वहां भगदड़ मचाची। सिंग सिंग सिंग, उफ, स्ट्राइकर उड़ता हुआ है अपनी इसकी बाइक पर, और ओह उफ, इधर लोथार व जॉन जॉनी भी खड़े ना रहे थे। आह नहीं, आंखों से शोले बरसाते हुए चीख कर आदेश दिया क्वीन सोंजा ने। सेना कमांडर बकलर, सोंजा की धरती पर भयानक अपराध किया है इन्होंने,
इन्हें केवल मृत्यु दंड देनी मृत्यु दंड देगी सोंजा, खत्म कर दो इन्हें। उस विशेष वाहन पर सवार बाहर निकला सेना कमांडर बकलर, और बकलर इसे जीवित नहीं छोड़ेगा क्वीन सोंजा, और उछल पड़ा लोथार। तुम्हारी वजह से मून ग्रह पर तबाही पड़ सकती है शैतान, तुम्हें अब शीघ्र ही समाप्त करना होगा। आगे बड़े तलवारबाज और दूसरे ही क्षण आतंक फैला दिया स्ट्राइकर ने। तलवारों की शक्ति से मुकाबला करोगी, करोगे गोली बारूद का? इसकी बाइक से छूट पड़े मौत के शोले, बैंग बैंग बैंग, खून से रंग रही थी वो धरती जहाँ किसी ने कभी अपराध के विषय में सोचा तक ना था। मेरे साथी पर वार करने का परिणाम भयानक होगा बच्चे, टुकड़े टुकड़े हो गया बकलर के चेहरे पर लगा प्रदूषण मास्क। अगले ही पल उसके कंठ से चीखें उगल पड़ी, आह आह उफ, सेना कमांडर उफ नहीं। पूरी शक्ति के साथ शत्रु का सिर काट लाने को क्वीन सोंजा की तलवार घूमी, किंतु वह छिद्र अब तू कभी बंद ना कर पाएगी क्वीन सोंजा, क्योंकि अभी हमें यहां से बाहर जाना है। थाक फर आह, अग्नि की भीषण लपटों से झुलस गया क्वीन का मास्क, तड़प उठी क्वीन सोंजा। स्ट्राइगर, ये लोग यहाँ बढ़ रहे प्रदूषण को सह नहीं पा रहे हैं। आह क्वीन सोंजा, अगर तुम अपनी और अपने ग्रहवासियों के प्राण की रक्षा करना चाहती हो तो पहले हमें यहाँ से पृथ्वी पर भेजने का रास्ता दिखाओ। हरगिज नहीं, जिस मकसद से तुम शैतानों ने मिलकर यहाँ तबाही मचाई है वह कभी पूरा नहीं होगा, और तुम्हारा दंड यही है कि तुम आजीवन इसी ग्रह पर रहो। तब रास्ता हम स्वयं ढूंढ लेंगे, किंतु तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हा, 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 हा। अगर मेरे अंत के बाद तुम्हें तुम्हारी धरती मिल सके तो मैं मरने को तैयार हूँ। और इसी पल हैरान उठा फेंसिंग, सांप इस ग्रह पर भी होते हैं सांप? उफ, मैं चाहता तो मेरे सर्व सैनिक तस्से तेरे प्राण भी छीन ले जाते फेंसिंग। तुम नागराज, तुम अपनी हरकतों से यहाँ भी बाज नहीं आए तो मुझे ये हरकतें करनी ही पड़ी। ओ तो ये तुम्हारी हरकत है? आह क्वीन सोंजा, मेरा नाम नागराज है, तुम्हारी धरती पर अब और अधिक तबाही व बर्बादी मैंने नहीं फैलाने दूंगा। नागराज, नागराज ने एक मृत सैनिक का मास्क सौंप दिया क्वीन को। ठहरो, ये मेरा शिकार है स्ट्राइकर। नागराज, उस वक्त तू बच गया था मेरे हाथों मरने से, पर अब तू मरा ही मरा। लेकिन फेंसिंग भूल रहा था कि सामना नागराज से है। अरे मेरी गन कहाँ ले जा रहे हो? रॉकेटों की शक्ति के बल पर तेजी के साथ उड़ा फेंसिंग और नागराज, गोलियों से तो तू एक आसान मौत मर जाता, पर अब फेंसिंग तो तड़पा तड़पा के मारेगा। ठाक, ओह, नागराज को जकड़ने को आगे बढ़ा वो कटीला तार, जिसे नागराज ने तेजी के साथ थाम लिया। उफ, इसी क्षण फेंसिंग बेहद तेजी के साथ ऊपर उठता चला गया। नागराज, ये तूने क्या किया? फेंसिंग उसे समाप्त करके ही लौटेगा। नागराज के साथ बेहद ऊंचाई पर आ पहुंचा था फेंसिंग। जरा सोच नागराज कि अभी इतनी ऊंचाई से गिरकर तेरी हड्डियों का क्या हाल होगा। आह, इस कटीली तार के कांटे मेरे हाथों में धंसे हुए हैं, और अब ये तार को झटके देकर मुझे गिराने का प्रयास कर रहा है। इसके बड़ा बदन पर कोई ऐसा स्थान ढूंढता हूँ जो सर्व सैनिकों के प्रयोग के बाद इसकी हार और मेरी जीत निश्चित कर सके। नागराज के चेहरे पर भरपूर ठोकरें चढ़ रहा था फेंसिंग। ठाक, उसी ठोकर को पकड़ने का प्रयास किया नागराज ने, किंतु आह, इस प्रयास में हाथ लहूलुहान हो उठे उसके। और तब नागराज ने किया वह निश्चय, अगर इसकी पीठ पर बंधे रॉकेटों की शक्ति इसे छीन ली जाए तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि कितनी भयानक मौत होगी इसकी। करामात दिखा गए नागराज के सर्प, थर्रा उठा फेंसिंग। नागराज झूल गया अपनी सर्प रस्सी पर, धम्म से नीचे आ गिरी फेंसिंग की लाश, थर्रा उठा फेंसिंग। फेंसिंग कभी कभी अधिक समझदारी भी सेहत के लिए हानिकारक होती है। नागराज झूल गया अपनी सर्प रस्सी पर, धम्म से नीचे आ गिरी फेंसिंग की लाश, और नागराज, तुझसे मेरी जंग अधूरी छूट गई थी जिसे मैं अब पूरी करूंगा। नागराज, स्ट्राइकर नागराज के धरती पर मौजूद रहते हम अपने उद्देश्य में कभी सफल नहीं हो सकते, उसे समाप्त करना आवश्यक है। उधर नागराज के पांव ने अपनी धरती पाई ही थी कि आ पहुंचा शैतान स्ट्राइकर।
नागराज कैसी तबीयत है तेरी? स्ट्राइकर शैतान, फेंसिंग के अंत के बाद अब तेरी बारी है। स्ट्राइकर अकेला नहीं है नागराज, लोथार भी उपस्थित है। लड़खड़ाती आ पहुंची को इंसोन जा भी। शपथ ली है मैंने कि मून ग्रह पर अपराध को कभी जन्म लेने नहीं दूंगी। तुम्हारी शपथ टूटने ना पाएगी क्वीन सोंजा। स्ट्राइकर की बाइक से छूटा हुआ बम क्वीन सोंजा के चीथड़ उड़ा देता अगर नागराज को एक क्षण की भी देरी हो जाती तो। बचो राजकुमारी सोंजा, स्ट्राइकर की ओर झपट पड़ी रसल प्रसी। उफ, इसे क्या हुआ? बाइक आगे क्यों नहीं बढ़ रही? इंसान को जिंदा रहने के लिए भोजन की और मशीन को चलाने के लिए बंधन ईंधन की आवश्यकता होती है स्ट्राइकर। लोथार का रास्ता रोक लिया था सोंजा ने। तुम जैसे शैतानों के लिए सोंजा के पास केवल मौत की सजा ही है। मौत केवल ताकतवर की गुलाम होती है सोंजा। नागराज की उस ठोकर ने स्ट्राइकर के मांस की छिंदियां उड़ गईं। स्ट्राइकर ने अपने सील पंजों का वार नागराज पर किया। नागराज, तेरे जिस्म से मांस मांस नोच दूंगा मैं। जबरदस्त ढंग से उछाल फेंका नागराज ने उसे। थाक आह, कई सांपों से जकड़ दिया नागराज ने उसे। हिस, आह नहीं, नागराज के उस भरपूर झटके के साथ चीख पड़ा स्ट्राइकर और दो टुकड़ों में कट गया उसका जिस्म। दूसरे के लिए गड्ढा खोदने वाले उसी गड्ढे में गिर जाते हैं। इधर सोंजा के जबरदस्त आक्रमण का मुकाबला न कर पाए लोथार और उफ आ, लोथार के खून से नहा गई सोंजा। नागराज, तुझे मारने से असफल रहे वो खूंखार हत्यारे जिन्हें तेरी ही मौत के लिए डेथ स्क्वाड के रूप में चुना जा रहा था, क्योंकि मंत्री आर्थर की हत्या के बाद प्रेसिडेंट डिमेलो की हत्या में तू बाधा बन सकता था, लेकिन आज तू असफल हो जाएगा प्रेसिडेंट डिमेलो को बचाने में नागराज, क्योंकि आज 5:35 पर वह अवश्य मारा जाएगा। और ये तेरी हार होगी। आह, इसी के साथ आंखें खुली की खुली रह गईं लोथार की। मर चुका था वह। सोंजा दौड़ दौड़ी नागराज की ओर। नागराज, ग्रह पर फैले प्रदूषण के प्रभाव से तुम्हारे जिस्म पर भी जबरदस्त जलन हो रही होगी। फर्ज की राह पर चलने के लिए बड़ी से बड़ी जलन बर्दाश्त करने की ताकत आ ही जाती है। नागराज, तुम फरिश्ते बनकर ना आते तो न जाने क्या क्या होता मून ग्रह का। कोई सोंजा, मैं मून ग्रह पर खुद नहीं आया बल्कि भेजा गया हूँ, और मुझे यहाँ भेजने वाली है कांचा। कांचा? ओ, क्या आप उसे जानती हैं सोंजा? नागराज उसकी नस नस से वाकिफ हूँ मैं। कांजा ही एक अकेली नागरिक है जिसे मून ग्रह पर बनाए गए मेरे कानून पसंद नहीं आए। मून ग्रह के सीधे साधे लोगों को सताकर उसे अद्भुत आनंद मिलता था। तुम्हारे सुंदर बाल तुम्हारी घोड़ी की पूंछ पर ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। मून ग्रह पर किसी वस्तु की सुरक्षा के लिए पहरेदारी नहीं की जाती। एक दिन इस बात का लाभ उठाकर वह शैतान हीरक तक जा पहुंची। अब मैं इस ग्रह पर नहीं रहूंगी, लेकिन जाने से पहले हीरक को अपने साथ ले जाऊंगी। ठीक समय पर दबोचा मैंने उसे। कांजा, मून ग्रह के कानून अनुसार तुझे इस अपराध की चेष्टा का कड़ा दंड दूंगी मैं, किंतु इतनी आसानी से हार मानने वालों में से वो नहीं थी। क्वीन सोंजा अब कांजा मून ग्रह की शांति को छिन्न भिन्न कर देगी। किंतु मैंने एक न चलने दी उसकी। हाथ रोक ले कांजा, वरना अंजाम भयानक होगा। प्रथम बार कोई कैदी लाया गया था उस जेल में। तुम्हारी सजा यही है कि तुम आजीवन इस काल कोठरी में पड़ी रहो। ओह, खतरनाक भाव थे उस समय उसकी आंखों में। मुझे इस कैद में ज्यादा दिनों तक नहीं रख सकेगी तू क्वीन सोंजा। और एक दिन अवसर पाकर वह हीरक को प्राप्त करने में सफल हो गई और हीरक की मदद से ग्रह की ओजोन परत में छेद करके वहां से भाग निकली, जिससे भीतर आए प्रदूषण के कारण यहाँ के नागरिकों की जान पर आन पड़ी है। आ बनी है नागराज, क्वीन सोंजा ने अपनी बात समाप्त की। नागराज, इस प्रकार कांजा उस यंत्र सहित पृथ्वी पर चली गई और मुझसे बदला लेने के लिए उसने बुरे लोगों को पृथ्वी से मून ग्रह पर भेजना शुरू कर दिया है, ताकि वह यहाँ की शांति को भंग करके मेरे बनाए कानूनों का मजाक उड़ा सके। क्वीन सोंजा, पहले तुम मुझे ये बताओ कि उस क्षेत्र को कैसे भरा जा सकता है, ताकि यहाँ की वायु को शीघ्र प्रदूषण मुक्त करके निर्दोष लोगों के प्राण बचाए जा सके। नागराज, मेरे साथ आओ। नागराज के साथ उस स्थान पर आ पहुंची क्वीन सोंजा। नागराज, हीरक की शक्ति से यह क्षेत्र शीघ्र बंद भर भर जाएगा। दूसरा हीरक दिखाई पड़ने लगा क्वीन सोंजा के हाथ में। किंतु इस क्षेत्र को भरने से पूर्व ही तुम्हें यहाँ से पृथ्वी पर भेजना होगा, अन्यथा तुम वहां कभी ना पहुंच पाओगे। और तुम्हें पृथ्वी पर भेजने के लिए यह यंत्र तुमसे छुआ रही हूँ क्वीन सोंजा। मैं वायदा करता हूँ कांजा के पास अब हीरक शक्ति नहीं रहने दूंगा।
हीरक के सर्प मात्र स्पर्श मात्र से गायब हो गए नागराज। अलविदा नागराज, अलविदा सोंजा। और अगले ही पल हीरक से छूट पड़ी वह विचित्र सुनहरी किरणें जो भरती चली गई इस क्षेत्र को। मून लोगों को सुरक्षित पाकर अब तब बेहद राहत की सांस भरी थी क्वीन सोंजा ने। आहा, मैं ठीक हो गया, मेरे हाथ के फफोले सतह ही ठीक हो रहे हैं। नागराज, मून ग्रह को तबाह होने से बचा लिया तुमने। और उधर पूर्व प्रेसिडेंट मिस्टर डिमेलो अपने भाषण के लिए बढ़ रहे थे मंच की ओर। बस अब कुछ ही क्षण रह गए मुझे हीरक को बाहर निकालकर पूर्व प्रेसिडेंट डिमेलो से छुआने में। गजब की फुर्ती के साथ बाहर आया हीरक। किसी अनहोनी की आशंका से स्तब्ध हो उठे थे सभी लोग। और इसी पल कांजा की कलाई को थाम लिया और सशक्त हाथ ने। कांजा, नागराज तुझे हीरक शक्ति का और गलत प्रयोग नहीं करने देगा। नागराज, तुम वापस कैसे पहुंचे? नागराज, पकड़ लो इस लड़की को। कांजा ने बड़ी फुर्ती के साथ नागराज के पेट में जड़ी हुई टक्कर ठाक। उफ, चीते की तरह जंप लगाकर भागी कांजा। उफ, डेथ स्क्वाड अभी तक क्यों नहीं पहुंची? शोमेकर ने मेरे साथ धोखा किया है। कांजा, तुझे भागने नहीं देगा नागराज, क्योंकि जो शक्ति तेरे पास है तू उसका गलत प्रयोग कर सकती है। कांजा का रास्ता रोक बैठे वो कमांडोस। रुक जाओ वरना मारी जाओगी। पलक झपकते ही आसपास लगे कई पंडाल श्रोताओं से खाली होते चले गए। और इधर बिजली की तेजी के साथ हीरक को घुमाया उसने। लेकिन बचो, ये अगर तुमसे छू गया तो तुम अंतरिक्ष की अनंत गहराइयों में खो जाओगे। कांजा, क्वीन सोंजा को मैंने वचन दिया है कि तुम्हारे पास अब हीरक शक्ति नहीं रहने दूंगा। ओ, तो क्वीन सोंजा की मदद से तुम यहाँ पहुंचे। पर नागराज, मैं तुम्हें अब हीरक द्वारा अंतरिक्ष में भेज दूंगी। उसी पर नागराज ने गिरा दिया वो बम्बू। अब तो हीरक शक्ति का इस्तेमाल मुझ पर नहीं कर पाएगी शैतान कांजा। सांप की तरह सरसरा कर निकल आया नागराज स्तंभू के बीच में से। नागराज के पीछे पीछे ही सरसरा कर निकला नागानंद। शाबाश नागानंद, मैं जानता था कि तुम हीरक को उस दुष्टा से छीन लाओगे। इसी पल कई गने उठ गई कांजा की ओर। चीख पड़ा नागराज, नहीं, कोई गोली ना चलाए, उसे जिंदा पकड़ना होगा, वरना शोमेकर उर्फ किंग ऑफ डेथ स्क्वाड कभी हमारे हाथ ना लग सकेगा। नागराज ने उछाल फेंका तंबू। कांजा, अब मैं तेरी आंखों के सामने ही हीरक को नष्ट कर दूंगा। नहीं, उसे नष्ट मत करना नागराज। हीरक को जमीन पर दे मारा नागराज ने। क्वीन सोंजा को दिया अपना वचन पूरा कर दिया मैंने। नागराज पर वार करने के लिए उठी उस नाजुक कलाई को पकड़ कर पीठ की ओर उमेट दिया नागराज ने। कांजा, मुझे शोमेकर उर्फ किंग ऑफ डेथ स्क्वाड का पता बताओ, जिसकी शह पर तुमने पूर्व प्रेसिडेंट साहब को गायब करना चाहा। आह! इसी पल आकाश गूंज उठा हेलीकॉप्टर के शोर से और ताबड़तोड़ गोलियों ने छलनी बनाकर रख दिया कांजा के शरीर को। आह! गोलियों ने खलबली मचा दी वहां। कांजा को तो उसके अंजाम तो पहुंचा दिया मैंने नागराज, अब तेरी बारी है। नागराज की कलाई से सरसराई सर रस्सी। शोमेकर, तेरी ही तलाश थी मुझे, तू मुझ तक कभी नहीं पहुंच पाएगा नागराज। सिंग सिंग सिंग, कई गोलियां नागराज के जिस्म में समा गईं। सामने देख, तेरी मौत तेरा इंतजार कर रही है। ओह, ये टावर मुझे घातक चोट पहुंचा सकता है। नागराज पर गोलियों का असर नहीं होता है। सर्प रस्सी पर लटका नागराज तेजी के साथ हेलीकॉप्टर की ओर उठता चला गया। उफ, बाल बाल बचा। नागराज, तूने मेरे काम में बहुत बाधाएं खड़ी की हैं, आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। यहां से गिरकर तेरा जिस्म कई टुकड़ों में बदल जाएगा। थाक, उफ, अत्यंत क्रोध से गुर्रा उठा नागराज। तेरा अंत आ गया है शोमेकर। रबर के गुड्डे के समान हवा में लहराया नागराज का जिस्म और सीट से उछल पड़ा शोमेकर। थाक, आ! लेकिन बिजली भरी थी उसके जिस्म में। तेरी मौत मेरा मिशन है नागराज। ओह, गिरने के साथ ही नागराज ने बल प्रयोग से उछाल फेंका अपनी छाती पर चढ़े शोमेकर को। अब मैं देखूंगा कि तेरा जिस्म नीचे गिरकर कितने टुकड़ों में बदलता है। नहीं, नीचे झांका नागराज ने। गिर गया शोमेकर। शोमेकर अकेला नहीं जाएगा नागराज। उफ, लेकिन वो खुद भी हेलीकॉप्टर को उस मीनार से टकराने से ना बचा सका। धड़ाम, आ! पर खच्चे उड़ गए हेलीकॉप्टर और पायलट के भी। उधर तीव्र गति के साथ जमीन की ओर बढ़ रहा था शोमेकर। उफ, पैराशूट नहीं खुल रहा। शोमेकर के पीछे था नागराज। ओह, अगर इस समय मैंने अपने सर पैराशूट का प्रयोग किया तो शोमेकर मेरी पहुंच से बहुत दूर निकल जाएगा। मुझे इसी गति से नीचे गिरना होगा। सर्कस का पांडाल चीरता चला गया शोमेकर का जिस्म। फचाक, पूरी गति के साथ नागराज भी समा गया उसी छिद्र में। उफ, किस
किस्मत के धनी निकले दोनों। उफ आह, और शक और शुक्र था कि समय शो का नहीं था। लचीले जाल पर उछल कर नागराज शो मेकर से टकराया। तुम्हारा अंत नागराज के हाथों लिखा है शो मेकर, शायद इसलिए तुम अभी भी जिंदा हो। सरप्रस्ती पर लहराया नागराज। शो मेकर सर्कस के जाल पर लड़ने की प्रैक्टिस भी कर ली होती। नहीं धाड़, और घबरा उठा शो मेकर, मैं नागराज से मुकाबला नहीं कर सकता, मुझे यहां से भाग निकलना चाहिए। नागराज की उस जबरदस्त ठोकर से शो मेकर कई फुट आगे उछल गया। तेरे ही खूनी कारनामे पढ़कर मैं यहाँ आया था शो मेकर, और अब तू बचकर भाग निकलना चाहता है। शो मेकर की खूनी निगाहें जाट की उन पिंजरों पर। नागराज, तू मुझे नहीं पकड़ सकता। एक एक करके आजाद करता चला गया वह उन पिंजरों में बंद जानवरों को। निकलो, बाहर निकलो और चीर कर रख दो नागराज को। उफ, इस शैतान ने पिंजरों में बंद उन भयानक व हिंसक प्राणियों को आजाद कर दिया है। शेर चीतों की भयानक दहाड़ों व शोर से भगदड़ मच गई सर्कस के जमाजों में। उफ, उस शैतान ने पिंजरे के दरवाजे खोल दिए हैं। पकड़ो उसे, मारो उसे। वन्य प्राणियों को जकड़ने को बढ़ चली सरप्रस्तियां। सर्कस के सदे और डराए गए ये जीव भी स्वतंत्रता की सांस पाकर पुनः उग्र हो सकते हैं, और इन्हें खत्म करने का मेरा कोई इरादा नहीं। बचाओ, आह, नागराज के सामने गुस्ताखी नहीं चलेगी सिंगराज। बचाओ, आह, और नागराज ने शीघ्र नियंत्रण पा लिया उस संकट पर। और शो मेकर उर्फ किंग ऑफ डेथ स्क्रेट कहाँ है? ओह, बेबस हो चुका था शो मेकर। उफ, नहीं शो मेकर, तेरा खेल अब खत्म हो चुका है दरिंदे। एक शिकंजा तेरे पाँव को कस चुका है, और दूसरा शिकंजा मौत का तेरी जिंदगी को कसने आ पहुंचा है। आह, नागराज की जबरदस्त ठोकर ने शो मेकर की गर्दन की हड्डियां कड़कड़ा दी। और तब, उफ, आप नागराज है ना, विश्व आतंकवाद के दुश्मन? आपने बचा लिया आज, अन्यथा नहीं, अन्यथा ये प्राणी यह मौत का भयानक आतंक मचा देता। मुझे इन प्राणियों के आतंक का उतना भय नहीं था जितना कि इंसान के रूप में इस जानवर के स्वतंत्र रहने का था, लेकिन यह शिकंजा यहाँ किसने लगाया? नागराज, यह हाथी नया ही भर्ती हुआ है और बेहद उग्र स्वभाव का है। कल रात इसने बेड़ियां तोड़ डाली थी। ये शिकंजा इसी के लिए यहाँ लगा था जो इस इंसानी पशु को जकड़ने के काम आया। गहरी सांस ली नागराज ने, और इस प्रकार हमेशा की तरह एक बार फिर आरंभ हो गया था मानवता के दोस्त और अपराधियों के दुश्मन नागराज का सफर। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नागराज की अगली कॉमिक्स में। तब तक के लिए धन्यवाद।